मध्य प्रदेश बीजेपी में एक बड़ी हलचल हो रही है, ये आपको हम दिखा देते हैं। दल बदल का दौर जिस तरह की खबरें लगातार चलती आ रही थी, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कुछ और सदस्य बीजेपी का हिस्सा होते हुए ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीडी शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी। आपको ये बताएं कि दल बदल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, पहले से ही इस बारे में जानकारी साझा की गई है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और उसी सिलसिले में मुझे लगता है कि आज एक खास कार्यक्रम जिसमें तमाम ऐसे नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी जो कि प्रबल तौर पर पार्टी को जनता के सामने रख सके। हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बिंद की राजनीति के शेर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष श्रद्धेय श्रीनिवास तिवारी जी के, हमारे उनके परिवार के हमारे अभिन्न अंग, और जो लोकसभा का चुनाव जिन्होंने रीवा विधानसभा से लोकसभा से लड़ा भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, जो एक खिलाड़ी के साथ उस क्षेत्र के बिंद की राजनीति के आधार स्तंभ के तौर पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे आदरणीय तिवारी जी के पोते कहेंगे ना, तिवारी जी के हमारे पोते आज सिद्धार्थ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने आस्था आज व्यक्त की है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सिद्धार्थ जी आपको ये लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार के नाते से आप आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे फुंदर चौधरी जी गुनौर के कांग्रेस के पूर्व विधायक और आयोग के भी आप अध्यक्ष रहे, एससी आयोग के, उसके बाद कई प्रकार की जिम्मेदारियों पर कांग्रेस के बड़े और दलित समाज का एक बड़ा चेहरा हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के, तो बिंद और बुंदेलखंड आज दोनों का एक संयोग यहां पर बनाए, तो फुंदर चौधरी जी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फुंदर जी हम सब मिलकर के, आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी, फुंदर जी सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, और हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करने में हमारी सबकी भूमिका बनेगी। मैं पुनः आप सबका दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, और सिद्धार्थ जी आपको लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर बधाई हमारे दोनों नेताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। एक मिनट रुक जाओ, हमारे प्रदेश के युवा नेता सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, युवा है, एनर्जेटिक है, काम करने का की तड़फ उनके दिल में है, और उनके साथ साथ अनुभव की भट्टी में पके हमारे बुंदेलखंड के नेता फुंदर सिंह चौधरी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में उनकी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हम दोनों अपने नेताओं का हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। आप कहें सभी मीडिया के साथियों को मेरा प्रणाम। बैठिए, एक और कुर्सी चलवा दो उधर। साथियों, मेरे पूज्य बाबा जी ने 1972 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसका एकमात्र कारण था कि 1971 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आज कोई भी देशभक्त युवा इस बात को नकार नहीं सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त कर रहा है, चाहे वो सैन्य में हो, वाणिज्य में हो, आज सब जगह विश्व में हमारी तूती बोलती है।
और मैं मोदी जी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कायाकल्प हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। 2003 की सड़कें हमें याद हैं और 2023 के हाईवे हम देख रहे हैं। मैं इस विकास से, हमारे विंध्य में जो विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है उससे, और जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका मिलता है, इन सब से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तभी याद आया। फुंदर जी रुको रुको, फुंदर जी दो मिनट, फुंदर जी अब भी जरा रुको रुको, जवाब दो। परम सम्मानीय हमारे प्रदेश बीजेपी के महोदय, सम्मानीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय सिद्धार्थ भैया, सम्मानीय सभी मीडिया भाइयों, सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं, आप कहेंगे क्यों आया, मैं टिकट की लालच से नहीं आया, मैं भाई साहब से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर के और इनके कामकाज से प्रभावित होकर के, और जहां मैं था हमारी जब बात ही नहीं सुनी जाएगी। हम दलित परिवार से आते हैं, हम लोगों ने तन मन धन से समर्पित होकर काम किया है। जो लोगों को हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है, 15-20 साल से हम किसी पोस्ट पे नहीं है, फिर भी इनके कहने पर रात दिन काम कर रहे हैं, फोन लगाते कोई फोन सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे रहे कांग्रेस में जब वहाँ कोई काम भी नहीं बताता, ना कोई कुछ काम है वहाँ। तो अब मैं ये कह नहीं सकता आप लोगों के सामने कि कैसे टिकट बांटे जाते हो, क्या होता है। सर्वे में आप पता कर लीजिए, मेरा पहला नाम था, क्यों नहीं टिकट मिला, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। इससे प्रभावित होकर उनकी नीतियों के खिलाफ, भाई साहब से प्रभावित होकर के, बीजेपी से नीति रीति से प्रभावित होकर के, बिना किसी, ना मेरे को कोई पद चाहिए, मैं काम करूंगा, पहले बीजेपी को वोटिंग कराऊंगा। इसके बाद मैं भाई साहब से सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सम्मान में, हमारी आन मान शान में, हमारे लोगों के सभी के उसमें और कमी नहीं आना चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए, नहीं। जब हम काम करेंगे तो आप अपने आप देंगे जो हमारे लायक होगा। मेरे साथ ही हमारे पन्ना जिले के अध्यक्ष महोदय भी आए हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे गौतम जी हैं, उनको, हमारे गर्ग जी, सभी मेरे साथी हैं। भैया सिद्धार्थ जी, मैं भी आपके बब्बा जी के साथ काम कर चुका हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आपके परिवार में हृदय से सम्मिलित हूं। धन्यवाद मित्रों। कांग्रेस में काम बटे हुए हैं, गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी, तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया, अब कांग्रेस का बंटा ढार हो गया। उस समय जब सरकार चलाई दिग्विजय जी ने, उस समय भी मध्य प्रदेश की जो दुर्गति हुई वो जनता को पता है, लेकिन अद्भुत है ये कांग्रेस और धन्य है इसके नेता, ये गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी देते हैं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अब मैंने चलो को आप सुन रहे थे, वीडी शर्मा भी यहां पर मौजूद थे, सिद्धार्थ तिवारी समेत एक और बड़े नेता जो कि विंध्य से पहुंचते हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पार्टी को विस्तार देने की कोशिश भी हो रही है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि जब कल वचन पत्र जारी हुआ तो कहीं ना कहीं हंसी मजाक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो बातचीत हुई उसे लेकर तंज कसते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। बड़ी बात यह कि चुनावी साल दल बदल का दौर भी लगातार चलता हुआ और इसी बीच बीजेपी में दो महत्वपूर्ण नाम शामिल होते हुए हैं।